इन बादलों के रथ पर सवार होकर पूरे परिलोक की सैर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक नटखट परी ना कहे, किसी भी चीज को छूएगा नहीं। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि यहाँ सारी जो चीजें हैं ना, वो जादुई है। किसी चीज को छूने से कोई बड़ी समस्या आ सकती है ना, याद है। तो ठीक है, अब आप इस रथ पे बैठे। हाँ, चलो। महेश, अरे आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, ऐसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन घोड़े ने मुझे लात क्यों मारी? क्योंकि आपने नटखट परी की बुरी बात सुनी ही नहीं। नहीं, उन्होंने ही कहा कि बैठो। हम कह रहे थे कि आप इस रथ पे बैठे, उससे पहले चालक इस रथ पे बैठेगा और तो ये अश्व आपको बैठने देंगे। अब आई बात समझ में? हाँ बापू जी, समझ में आ गया। घोड़े की लात खाने के बाद ही इंसान सीखता है। चलिए। दादाजी, महेश जी, आइए आइए, मैं स्वागत आपका। आइए महेश जी, आइए। बिद्दियो, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी चला। टेस्ट चालू होने में कुछ ही समय बाकी है, जल्दी कर। मंडवास, इधर आओ, इधर। बोल यार, क्या कर रहे हो मंडवास? अगर आप कॉपी मार के एग्जाम में पास हुए तो आपकी तो इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि एक बुद्धू, उसमें इतनी अक्ल कहां से आ गई? बेवकूफ, मुझे ये टेस्ट में कुछ भी करके पास होना है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे लास्ट वार्निंग दी है। अगर ये टेस्ट में मैं पास नहीं हुआ ना, तो मुझे घर से निकाल डालेंगे। रोहित, अब तू ही सोच, अगर मुझे घर से निकाल डाला तो मेरी लाइफ क्या होगी? सलाम साहब। हो गया साहब। मोंटू, अगर तो उस दिन टेस्ट में फेल ना हुआ होता तो आज तू फूड पॉलिश वाला नहीं होता। सपने में तो मुझे बॉस बनने दिया होता। बेवकूफ, सपना हो या सच, साहब हमेशा मोंटू द ग्रेटेस्ट लगा नहीं बनता है, और उसके लिए मुझे इस टेस्ट में पास होना बहुत जरूरी है। ए पिद्दियो, चीट बनी कि नहीं? हाँ मोंटू बॉस, रेडी है। बस अब इन चीट्स को सही ठिकाने पर पहुंचाना। तबो तबो, ये रहा परिलोक का उत्तरी हिस्सा।
ये रहा आखिरी दक्षिणी हिस्सा। ये भी जा रखते ही इसमें से जहरीली झाड़ियां निकलना शुरू हो जाएंगी। शातिर परी, यार ये मोंटू रोहित पता नहीं कहाँ चले गए। अरे रोहित जल्दी कर, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हाँ बॉस। ये दोनों कर क्या रहे? गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कॉफी करने नहीं दूंगी, चलो हम जाके ये बात सर को बताते हैं। अरे नहीं सलोनी, मेरा जी खट्टा मत कर, अगर इन लोगों को पता चल गया कि कंप्लेंट हमने किया तो हम लोग तो गए काम से। फिर तो हमें कोई दूसरा तरीका निकालना होगा इन लोगों को कॉफी करने से रोकने का। शातिर परी, बालवीर और परिया आ गई कहां से यहाँ? शातिर परी, अगर तुम बचना चाहती हो तो आत्मसमर्पण कर दो और हमें बता दो कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, नहीं तो बालवीर। शातिर परी इसलिए भाग गई क्योंकि शायद वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य वो पूरा कर चुकी है।
रानी परी, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ बाल परी। बालवीर, इस दीवार को तो हम रोक लेंगे। आप शातिर परी के पीछे जाइए। जी रानी परी। दीवार जरूर जहरीली पौधों से बनी है और इसीलिए इस पर हमारे जादू का असर नहीं हो पा रहा है। परियों, एक बार फिर से प्रयास करके देखते हैं। जी कर दिया सर, अभी आते होंगे और मोंटू भी यही आ रहा है। तुम लोग तैयार हो ना? ए, चिपकुट लोग, ये कौन सी टाइप का डांस है? चिपकली डांस। हमारे कपड़ों में चिपकली घुस गई है। शोर शराबा है, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैंने? अरे सर, मैं क्यों आपको बुलाऊंगा? अगर मुझे बुलाना होगा तो मैं पिज्जा वाले को बुलाऊंगा, बर्गर वाले को बुलाऊंगा, समोसे वाले को बुलाऊंगा। मोंटू रोहित, तुम दोनों की शर्ट में चिपकली है। चिपकली? पांटा, ये क्या है? तुम टेस्ट में कॉपी करने वाले थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है आप कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के वक्त अगर पकड़ गए होते तो बिल्कुल नहीं छोड़ता तुम्हें। ये तो तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, इसलिए छोड़ देता हूँ। लेकिन याद रहे, आइंदा ऐसी हरकत ना हो। एट लास्ट चले जाके पढ़ाई करें। आ...
भटका दी परी, अब सुन रहे मुझे? हाँ बालवीर, हम तुम्हें सुन सकते लेकिन देख नहीं सकते। रानी परी, ये मायावी जाल टूट नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? कोई उपाय है इसे तोड़ने का? हाँ बालवीर, एक उपाय है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसके लिए आपको घातक लोक में जाना होगा। ठीक है रानी परी, मैं घातक लोक जाऊंगा। ऐसा सोचना भी मत बालवीर, आप घातक लोक नहीं जा सकते, क्योंकि एक बार जो घातक लोक जाता है वो वापस नहीं आ सकता। आप वहां जाने की सोचना भी मत बालवीर। बालवीर, आप हमारी बात सुन रहे हैं ना? बालवीर, लगता है बालवीर घातक लोक में जा चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रानी परी, हमें उसे रोकना होगा। बालवीर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। बाल परी, हम बालवीर को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ परियो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उस परिवार को यहाँ हुई इस घटना के बारे में पता ना चल सके, वरना वो लोग बहुत डर जाएंगे। भटकाती परी, आप परिलोक की तरह एक आभासी वातावरण बनाइए ताकि उन्हें ये स्थिति सामान्य लगे। जी रानी परी।